ये है हम लोग का लोकेशन। एक ये भी स्पॉट है, ये ओशो पार्क हो गया, धरान नेपाल, यहाँ एक टावर है और उसके this giant we are traveling in this hilly region. यहाँ पे चलाने का मजा ही कुछ और है। ये टर्निंग, ओह माय गॉड, आई लव दैट। बहुत रिस्की जगह है, फिर भी मजा आ रहा है। पूरा यहाँ पे एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए, जैसे कि हम हैं, नहीं तो एक छोटा सा गलती आपका जान। ओवरटेक भी देख के करना चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो सकता है। असली मजा तो पहाड़ में। अपना लेन में सिर्फ ड्राइविंग करना है और अच्छे से करना है, टर्निंग सब का ध्यान रखते हुए, बाकी सब मजे में। वाओ, वंडरफुल। ठंडा तो लगेगा ही, हम लोग अभी बादल के हाइट पे हैं, अभी बादल हम लोग के बगल से गुजरता है, ठंडा कैसे नहीं लगेगा। वहाँ पे गोलंबर है और उसके बाद आप यहीं से टर्न लेते हैं, चाहे आपको झरना जाना हो या फिर और भी सारे जगह हैं। ओ भाई, अब हम लोग ये भेडेटार को बाय बाय बोल के हम लोग आगे जा रहे हैं और देख लीजिए, चेकिंग भी है, लेकिन आपका भाई को चेक नहीं कर सकते पुलिस, क्योंकि कोई क्या बताएं, अब छोड़िए, देख लीजिए व्यू। अगर आप चाहिएगा तो गाड़ी ऑफ करके भी ले जा सकते हैं, हम अभी गाड़ी अपना ऑफ करके दिखा रहे हैं कैसे गाड़ी ऑफ करके स्लोपिंग में चलाना है। गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए, इंजन ऑफ है, फिर भी देखिए स्पीड 53-54, गाड़ी अभी पूरा बिल्कुल ऑफ है, फिर भी इतना स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी का इंजन अभी ऑफ है। लगभग हम लोग 60 के स्पीड में जा रहे हैं। ये आगे स्कूटी में हम लोग के दोस्त है, ये इन लोग का इंजन ऑन है, हम लोग इंजन ऑफ करके चला रहे हैं। हाँ हाँ, लवली टर्न। एक सेकेंड, यहाँ रुक जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, ये देखिए बाटो छ रे, ए लो लो जुम ऑफ ही तो छ, ये सब का है बोल।
टर्निंग में कंट्रोल रहना चाहिए, समझे आनंद जी? अगर कंट्रोल नहीं रहा तो आप सीधा खाई में, एक बार दिखा दीजिए खाई कितना गहरा है, अभी दिखाइए, यहाँ से दिखाइए, देख लीजिए सीधा 1000 फीट नीचे। ओहो, गाड़ी ऑफ है फिर भी देख लीजिए मज़ा, गाड़ी का स्पीड, ऐसा जगह है। ओहो, ये टर्निंग सब में पूरा सावधानी से चलना है, नहीं तो एक छोटा सा मिस्टेक गेम ओवर, वन मिस्टेक गेम ओवर। फिर हम लोग नॉर्मल अपना स्पीड में जा रहे हैं, गाड़ी घिंच रहा है 20-22 किलोमीटर के MPH के स्पीड में चल रहा है, और ये 30, 31, 33, एंड हियर वी गो नाउ 40, 40, 40, 40, ऑलमोस्ट 42, 45, 46, 47, वी आर ऑलमोस्ट टू टच 50, या 50, और ये 50 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में हम लोग टर्निंग में, यहाँ पे ब्रेकर डाल दिया है। आहा, लवली, ये टर्निंग देखिए कितना स्मूथली हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हो, ऑसम, मज़ा आ गया, क्या आनंद, मज़ा आ रहा है। ब्लॉग में आ जाए, ओहो सच अ लवली टर्न, ओहो, अब देखिए हम लोग धीरे से यहाँ पे पूरा गाड़ी को लेन डाउन कर दिए हैं और ये हम लोग पहुँच गए हैं बेहतरीन। अब आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं 28 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से हम लोग गए, ये रहा, ओहो, और जा रहे हैं 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 53, 53, 55, 57, 60, ऑलमोस्ट 60, और ये देखिए ऑटो वाला रॉन्ग साइड में घुसा दिया, लेकिन हम लोग ने अच्छे तरीके से अपना लेन को फॉलो किया हुआ है, और ये शार्प टर्निंग, और ये रहा गाड़ी, और बेहतरीन तरीके से जाते हुए, ऐसे ही हमेशा गाड़ी चलता तो कितना मज़ा आता, पेट्रोल का ना झंझट ना कुछ का, गाड़ी देखिए, गाड़ी का पिकअप देखिए, लग रहा है अभी गाड़ी हम स्टार्ट करते तो इतना स्पीड में नहीं चलता जितना ऑफ में चल रहा है, भरपूर मजे के साथ हम लोग अब ट्रक को ओवरटेक करने जा रहे हैं। आज ये देखिए ट्रक का इंजन ऑन है लेकिन हम लोग का इंजन ऑफ है, ओवरटेकिंग करने के लिए आगे का रास्ता बहुत यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको लग रहा है इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने कर भी लिया है, और ये लेन डाउन, ओ लवली, अब ये देखिए इस ट्रक वाले को ओवरटेक करने जा रहे हैं, और यहाँ इस साइड से बाइक आ रहा है तो अभी ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइमिंग है, और उसके साथ मैंने सक्सेसफुली ओवरटेक कर दिया है, और गाड़ी को मैंने फिर से सोचा है जो ऑफ कर दिया जाए, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम, ओ भाई अब यहाँ पे क्या किया जाए, किस साइड से लेके चले, लेकिन हम लोग अपने लेन में ही रह के इस ट्रक को भी ओवरटेक करेंगे, ये ट्रक वाला सब साला टर्निंग में रोक देता है, बताइए, हाँ देखें रॉन्ग साइड में, इसीलिए रॉन्ग साइड में मत चलाइए गाड़ी, यहाँ से देखिए अभी हम लोग को पता नहीं है जो ऑपोजिट साइड से कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसके पीछे चल रहे हैं, अभी हम चाहें तो ओवरटेक कर सकते थे लेकिन जब तक लेन क्लियर नहीं होगा हम इसको ओवरटेक नहीं करेंगे, लेकिन अब लग रहा है ओवरटेक नहीं, रिस्क नहीं लेने का, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और यहाँ पे ये ट्रक पूरा इंस्टेंट ब्रेक लेते हुए, लेकिन ये ट्रक वाला भी बहुत स्पीड चला रहा है, इस हिसाब से रास्ता है, लेकिन स्पीड यहाँ पे नहीं काम देगा, क्योंकि अब हम फुल गुड में आ गए, और जो होगा देखा जाएगा, जो बोले सो निहार, और स्पीड में, और पूरा बेहतरीन रास्ता है,
ओहो, बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कहीं भी ग्रेवल आ रहा है। बहुत ठंड रास्ता है जो बात है। और इसी के साथ मेरा दोस्त यहाँ पे स्कूटी में, हाँ इंजन ऑफ है गाड़ी का, लेकिन हमको लगता है स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं आनंद जी? नहीं करना पड़ेगा? चलिए आप बोल दिए नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ धक्का मारना क्यों ना पड़े। ये है हम लोग का लोकेशन, हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए। ये लेकिन यहाँ पे सूखा पड़ा है। यहाँ वाटरफॉल के समय जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनता है। पानी जब बहता है यहाँ पे मस्त लगता है, मस्त व्यू बनता है। और यहाँ एक ये भी स्पॉट है, बाढ़ के समय जो है जब बारिश का होते रहता है तो ऊपर से झरना पानी का गिरता है, एकदम मस्त लगता है व्यू। तो ये अभी फोटो शूट वगैरह चलेगा, यहाँ अभी तो कुछ नहीं है, बस ग्रेवल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह, पत्थर और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, और ये देखिए यहाँ इसका जो है बनाया भी गया ऊपर में, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं कि ताकि जो है कभी स्लाइड ना हो। हाँ, दैट्स वाई। और अभी यहाँ फोटो शूट चलेगा और वहाँ सड़क है, वो रहा सड़क क्रॉस करता है। एंड और क्या बताऊँ, यहाँ कुछ खास है नहीं, बाढ़ रहता तब मजा आता। अभी हम लोग फिलहाल नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे हैं, ये ओशो पार्क हो गया इसके पीछे। और ये भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ओशो पार्क नाम से ही सुन चुके होंगे, यहाँ लोग मेडिटेशन वगैरह करने आते हैं। और बहुत खूबसूरत व्यू है अभी फिलहाल। हाँ, और अभी जाना है इसके ऊपर, ऊपर। और ये एंट्री पॉइंट, यहाँ भी पैसा वैसा लगता है वो? नहीं ना। असल नेपाल, रियल नेपाल यही नहीं, नहीं रियल नेपाल जो एक्सप्लोर करना है ना, तो ये दिखाइए साइड व्यू, दिखाइए ये मिस नहीं होना चाहिए। ये साइड साइड
ये टावर इसके ऊपर, यहाँ से व्यू देखने पूरा नेपाल दिखेगा, है कि नहीं भैया? इतना ऊपर चढ़ने के बाद अब इस सीढ़ी के बल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओहो, अभी कितना दूर है भाई? फटाफटा चढ़िए। अभी पैंट ही फटा है, पता नहीं क्या क्या फटेगा। हम लोग अभी धरान नेपाल, यहाँ एक टावर है और उसके ऊपर है। इस टावर पे भी जो चार्ज लगता है 25 रुपया पर हेड नेपाली। एंड इधर चारों तरफ से जो है आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और इस बीच में ये टावर बना हुआ है। इधर भी देख रहे पहाड़, बादल से पूरा देख रहे घिरा हुआ है। ये पूरा अंधेरा अंधेरा आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि बादल ही बादल है। एंड वो सन देख रहे हैं, सन भी जो है पूरा बादल से ढक चुका है। एंड एक तरह का ये व्यू हो गया। एंड इधर देखिए, ओ भाई ज़्यादा इधर जाने में डर लगता है क्योंकि इसके नीचे जो खाई टाइप का लगता है। हाँ ये देखिए, ओ देखिए वो झोपड़ा झोपड़ी सब बड़ा ही छोटा छोटा दिख रहा है। और ये पूरा प्रॉपर नेपाल है, इसी को बोलते हैं पूरा प्रॉपर नेपाल। और उधर जो है ये हुआ पूरा नेपाल का जो है प्लेन रीजन जो है, ये तो पूरा प्लेटू एंड माउंटेन्स रीजन हो गया जहाँ हम लोग अभी हैं, वो हो गया प्लेन रीजन। ओ दूर ये पूरा प्लेन रीजन हो गया, वहाँ घर वगैरह है। क्या होता, वो थक चुके हैं ऑलरेडी। अरे बाप रे बाप। तो आई होप मेरे जितना बताया उतना मैंने एक्सप्लोर कर सका, क्योंकि यहाँ का जो है बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ लोग नेपाली बोलते हैं एंड नेपाली लोग जो है ज़्यादातर बता नहीं पाते हैं हिंदी में पूरा एक्सप्लोर, तो दैट्स वे। और मैं कुछ पता होता करके आया नहीं था, डायरेक्ट ऐसे ही आ गया था, तो इसलिए मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। एंड हाँ, यहाँ तक आने में जो है कहाँ कल जहाँ गए थे वो तो अच्छा जगह था, पूरा रास्ता एकदम सेफ था। ये जो है पूरा पथरीला जो है एरिया है, रोड भी नहीं बना हुआ है, तो बहुत ही ख़तरनाक एरिया है। तो एडवेंचर करने आए तो इतना तो चलता है फिलहाल। इधर हमारे फ्रेंड्स लोग, और एक और व्यू दिखा देते हैं आप लोग को। तो एडवेंचर करने का बहुत ही शौक था बचपन से, और अभी करने का मौका मिल रहा है तो पिछवाड़े से हवा निकल रहा है ऐसे ऐसे सड़कों से गुजरने में हालत ख़राब हो जा रहा है। फट जाता है पूरा, फट के हाथ में आ जाता है, सुने होंगे डायलॉग। और मुझे जो ऊंचाई वाला प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा हाइट पे जाता हूँ तो मुझे नीचे देखने में डर लगता है, और ये बीमारी बहुत सारे लोगों को होता है और मुझे भी है। और ये चीज़ें जो है रेगुलर अगर आप करने लगते हैं तो ये दूर हो जाएगा। तो फिलहाल तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है और बहुत माउंटेन चढ़ाई कर चुके हैं बट रेगुलर नहीं कर पाते, दैट्स वाई से जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या व्यू है, लेकिन व्यू देख के आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप नेपाल आते हैं। ज़्यादा इंडिया वालों के लिए तो बोलूँगा बहुत ही नज़दीक में ये नेपाल, दार्जिलिंग, ये सारे बहुत ही खूबसूरत जगह होते हैं, आप ज़रूर विजिट करिए। और ख़ास करके तो ये नेपाल तो भाई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कम पैसे में आप आराम से पूरा घूम सकते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ से पूरा आपको नेपाल दिखेगा। ये उधर सब घर है, वो अभी पूरा बादल है इसलिए आप लोग को नहीं दिखेगा। ये देखिए हम लोग अभी इधर से आए हैं, ठीक उसके ऊपर से टॉप से सीधा डाउन होते हुए डिंग 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 यहाँ। एंड इधर ये पूरा नेपाल 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 नेपाल, पूरा बादल से भरा हुआ है। और अभी शाम हो चुका है, ये आधा घंटा इधर लेट चलता है। इतना ज़्यादा हाइट पे है ये,
और ये पूरा नेपाल शहर हो गया आपको। यहाँ से खड़े होने में डर लगेगा। वो देखिए बस्ती, वो है बस्ती। ये Did anybody out there hear me?